तो होप करता हूँ कि अभी फिलहाल आप सभी लोग सेफ घर पे हो। हम भी नहीं निकलते बट थोड़ी इम्पोर्टेंट सामान लेने हैं, इसलिए आज निकलना पड़ रहा है। बट आई रिकमेंड एवरीवन टू स्टे एट होम। जितना ज़्यादा आप घर पे रहोगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहोगे। कई दिन हो गए हमको ब्लॉगिंग की हुए, मेरा सेल्फी स्टिक जो था वो गुम हो गया है और घर पे दिन भर घर ही पे रहना है और कुछ नया सीन हो नहीं रहा है तो हम भी बोर हो जाते हैं, तो क्या करें, कुछ तो सोच रहे हैं करें तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, जल्दी करेंगे। तो अभी हम लोग हैं शिव बाजार रोड एंड अभी फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये रहेगा मेरा कि मैं पहले अपने बाइक में फ्यूलिंग कराऊंगा, उसके बाद कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी है इम्पोर्टेंट वाली, उसके बाद हम निकलेंगे वापस अपने घर। ज़्यादा ब्लॉगिंग आज भी मैं नहीं करूँगा क्योंकि मूड उतना बन नहीं रहा है, अब लॉकडाउन में क्या ही करें हम लोग। तो सोच रहे हैं कि बस जो है जैसे हैं वैसे रहने देते हैं। एक चीज़ हमको अच्छी लगती है मेरे सिटी में एंड आई लव दैट कि आप कुछ भी करो अनलेस यू आर मेकिंग अ न्यूसेंस आपको वेलकम है। कुछ दिनों पहले एक छोटी सी मेरे बाइक में इशू नहीं हुई थी पर मुझे लगा कि इशू हो गया है, वो ये था कि मेरे बाइक का जो क्या कहते हैं बाइक का इंजन है बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बैठा था तो हमको ऐसा फील हुआ कि आई एम सिटिंग ऑन अ फायर, एकदम आग पे बैठे हुए, आग की भट्टी पे बैठे जैसा लगा। कुछ लोगों से मैंने इंक्वायरी किया तो पता लगा कि इट्स बिकॉज दैट मेरे बाइक धूप में रहता है दिन के 3 घंटे, द हाईएस्ट पीक वाले 3 घंटे 12, 1 और 2, क्योंकि मेरे जहाँ मेरा बाइक पार्क होता है उस गैलरी में 3 ही घंटे तक एक्सट्रीम सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट होती है, उसके बाद तो लाइट रहती हैं बट उतनी नहीं जितनी सोचते हम लोग। एंड आई गेस कि फ्यूल ख़त्म होने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है फ्यूल में, लकीली आई एम एट माई स्टॉप, समथिंग जस्ट स्टॉप ओवर हियर, यू कैन सी अ ड्रैगन फ्लाई। चलो आ गई अपने बिल्लो रानी, बहुत तकलीफ होता है यार। चलो चलो अब चलते हैं अपने खोज पे। तो हमारी खोज आरंभ होगा एटीएम से। आई जस्ट होप कि इस बार So right now I am at Municipality Chowk and I have to make a U-turn over here since पीछे वहाँ पे आप जो देख सकते हो ब्लॉकेज है कि डायरेक्ट व्हीकल्स ना जाए, नहीं तो बहुत ट्रैफिक हो जाती है यहाँ पे।
and I am in search of the most valuable और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड आइटम कीवी। भाई साहब मिल जाना तो कसम से क्या ही मैं बोलूँ। द वर्स्ट थिंग इज दैट कभी कभी मिलती नहीं है। अभी शॉप्स में देखो तो आम है, तरबूज हैं, सेब हैं, बेल भी हैं और पुलिस वाले भी हैं, पुलिस वाली मैडम। भाई कहीं तो दिख जा, अरे भाई कहीं तो दिख जा भाई। ओ भाई साहब, भैया कैसे हैं? हाँ, कीवी इसको ना कहते हैं? अच्छा कीवी का ये कैसे हैं? 300 रुपये डब्बा हो गया। एक डब्बा 300 का है। लो भाई लो खा तो। हाँ हाँ हाँ, अरे हम 2-3 महीने पहले लिए थे तो 100 रुपये का मिलता था 4 पीस पर। लॉकडाउन के चलते महंगा हुआ है का? तो अच्छा अच्छा ओ चलो कोई नहीं। मास्क ठीक से लगाया करो भाई, वैसे ही कोरोना बहुत ज्यादा है। हमारा घर के तो फटका तो बहुत जोरदार लगा यार। अब हमको सप्लीमेंट ढूंढना पड़ेगा। 300 रुपये का 3 पीस, देख रहे हो आप कितना मतलब कितना खतरनाक है। अच्छा पुलिस वाले अपने ड्यूटी पे लग गए। हाँ तो इन लोगों का टाइम भी तो हो गया आई गेस। चलो रिकॉर्ड हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस अभी एक और आइटम लेना है, सिर्फ होप कर सकते हैं कि वो मिल जाए क्योंकि शॉप क्लोज होने के टाइम बहुत ही पास में है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो याद से सब्सक्राइब कर देना ब्रो। इट रियली सपोर्ट्स मी, हेल्प्स मी टू ग्रो माय चैनल। व्लॉग्स में कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसके लिए वेरी बिग अपोलॉजी, बट वीडियोस आती रहेंगी रिलेटेड विद माय बाइक। कोशिश करेंगे कि व्लॉगिंग ही करें। तो बस आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ इन कोरोना। प्लीज स्टे सेफ इन कोरोना, दैट्स ऑल। बाय बाय, सी यू। Where does this kid do such instability?